इंडिगो खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले के गांव जेतपुरा में तहसील कार्यालय धार के द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 663 रकबा 2643 हेक्टर में से 1000 हेक्टर भूमि वृक्षारोपण के लिए आवंटित की गई है, जिस पर पर्यावरण को बनाए रखने के लिए कई पौधे लगाए गए थे। वहीं उस हरी जमीन पर अब रेत माफियाओं की नजर पड़ गई है, जिस पर उन्होंने अवैध रेत खनन का कारोबार शुरू कर दिया है, जिसके बाद भूमि समतल से धीरे धीरे बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसकी सूचना ग्रामवासियों ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए धार कलेक्टर साहब को भी दी है, लेकिन कोई फैसला हरियाली को बचाने के पक्ष में नहीं आ रहा है। तो वहीं खनन अधिकारी के नाक के नीचे भव्य स्तर पर रेत माफिया रेत लेकर जा रहे हैं। खनन अधिकारी मोहन खतेड़िया के मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है भव्य स्तर पर रेत खनन का अवैध कारोबार, तो सोचिए पूरे जिले का क्या हाल होगा। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, वृक्षारोपण के लिए आवंटित भूमि पर चल रहा है अवैध कारोबार। खनन अधिकारी मोहन खतेड़िया की नाक के नीचे से माफिया ले जा रहे हैं रेत, भूमि समतल से बड़े बड़े गड्ढों में हो रही है तब्दील। खनन अधिकारी मोहन खतेड़िया के मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है रेत खनन का अवैध कारोबार, तो सोचिए पूरे जिले का क्या होगा हाल। जिहान धार जिले के गांव जेतपुरा में चल रहे इस धंधे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पर रेत का अवैध कारोबार जो चल रहा है वो आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है। कहीं इसके पीछे खनन अधिकारी मोहन खतेड़िया की माफियाओं से मिली भगत तो नहीं। वहीं बात करें खनन अधिकारी मोहन खतेड़िया की, तो उन्होंने तो अपने ऑफिस के बाहर नेम प्लेट लगाना भी उचित नहीं समझा, जिससे शिकायतकर्ता ये न जान ले कि अधिकारी का ऑफिस यही है और क्षेत्र में चल रहे अवैध कामों की शिकायत के लिए ग्रामीणों को जगह न मिल जाए। विगत 1.5 माह से कुछ खनन माफिया क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं और वृक्षारोपण के लिए सुरक्षित रखी गई भूमि पर बड़ी बड़ी मशीनों से रात दिन अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा है और सभी हरे भरे वृक्ष काटे जा रहे हैं। जहां समतल भूमि का स्थान अब माफियाओं द्वारा बनाए गए बड़े बड़े गड्ढे ले रहे हैं, जिसके कारण कभी भी कोई भी बड़ी जनहानि हो सकती है, किसी मवेशी या बच्चे की गिरने से मौत भी हो सकती है और पर्यावरण को खासा नुकसान हो रहा है। पर्यावरण प्रेमियों ने धार जिला खनिज अधिकारी मोहन खतेड़िया को भी इस बारे में जानकारी दी, लेकिन उन्होंने अवैध कारोबार पर सख्त फैसला लेना तो दूर, अपने कार्यालय पर नेम प्लेट भी नहीं लगाई है, जिससे शिकायतकर्ता को ये ना पता चले कि अधिकारी का ऑफिस यही है। वहीं आपको बताते चले कि गांव जेतपुरा में तहसील कार्यालय धार के द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 663 रकबा 2643 हेक्टर में से 1000 हेक्टर भूमि वृक्षारोपण के लिए आवंटित की गई है, जिस पर पर्यावरण को बनाए रखने के लिए कई पौधे लगाए गए थे। वहीं उस हरी जमीन पर अब रेत माफियाओं की नजर पड़ गई है, जिस पर उन्होंने अवैध खनन कारोबार शुरू कर दिया है, जिसके बाद समतल भूमि बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसकी सूचना ग्रामवासियों ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए धार कलेक्टर साहब को भी दी, लेकिन कोई फैसला हरियाली को बचाने के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में ग्रामवासियों के साथ राजधानी लाइव उक्त विषय में ये गुहार लगा रहा है कि जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से उक्त हरे भरे स्थान को अवैध खनन माफियाओं से मुक्ति दिलाई जाए। धार से राजेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।